अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम अपना एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये जो है वो बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही आसान है, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अच्छी तरीके से आपको ये टॉपिक समझा दूँ। तो इसके बाद जो है मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा। इस वीडियो के बाद, यानी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको जो है इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल्स और जो चीज़ें हमें एमसीक्यूज दिए हुए हैं आगे, वो जो है मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो वो जो है उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है वो रिविज़न भी हो जाए और हमारा ये चैप्टर जो है वो कम्प्लीट हो जाए और फिर अगला चैप्टर जो है मैं शुरू करूँगा। तो कोर्स को जो है मैं बहुत तेज़ी में लेके चल रहा हूँ, चाहे वो मैथ का हो या हमारा फिज़िक्स का, और इंग्लिश में आपको पहले ही कंप्लीट करवा चुका हूँ पूरी की पूरी। तो आज जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आके भी जो वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ताकि हम जो है फिर अपने लेक्चर को सही से आगे कैरी ऑन कर सकें। तो लिखा हुआ है कि इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड वर्क विथ नंबर्स, आइदर रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज और स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखें स्टूडेंट, आपको तो ये बात पता ही है कि इंजीनियर और साइंटिस्ट जो भी हमारे पास ये दोनों होते हैं, ये नंबरों का इस्तेमाल करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मैग्नीट्यूड बताने के लिए, यानी फिज़िकल क्वांटिटी की क्या मैग्नीट्यूड है इसको बताने के लिए। अब मैग्नीट्यूड से मुराद क्या है? देखें, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मिकदार, यानी अगर आपके पास लेंथ है तो उसकी क्या मिकदार है, यानी वो कितनी है। अब आपके पास 5 यूनिट की जो है वो लेंथ है, 5 यूनिट लेंथ है, या 5 मीटर या सेंटीमीटर मिलीमीटर, तो आपके पास जो है वो 5 यूनिट की लेंथ है। तो ये जो 5 है ये क्या है? मिकदार है, और मिकदार 10 भी हो सकती है, 20 और बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसको जो है वो क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड कहा जाता है मिकदार को, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो है वो हमारे पास बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, यानी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए या छोटी क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या करते हैं? नंबरों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और नंबरों के ज़रिए जो है वो क्वांटिटीज़ को बताते हैं। तो अब आपके पास कोई लेंथ है, यानी आपके पास जो है एक स्केल है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा कितना बड़ा स्केल है? तो उसके ऊपर जो है वो मैग्नीट्यूड मौजूद होता है, उसमें कितनी मिकदार है, उसमें कितना जो है वो लेंथ है, कितने सेंटीमीटर का है या कितने मिलीमीटर का है, उस पर जो मौजूद होती है लाइंस, उससे आपको जो है वो पता चलता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का क्या इस्तेमाल होता है? सिग्निफिकेंट फिगर का ये इस्तेमाल है हमारे पास कि जो हम चीज़ें या जो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होता है, इसको अच्छी तरीके से डिफ़ाइन किया जा सके और काम में जो है वो एक्यूरेसी ला सके। यानी आपके पास जो है, अक्सर आपके पास एक लेंथ है वो 5 मीटर की है, तो आप जो है वो सिर्फ 5 मीटर बोलेंगे, ज़्यादा जो है वो डेसिमल पॉइंट्स नहीं गिनेंगे। यानी आपके पास एक लेंथ है 5 मीटर की, ठीक है, लेकिन अब कोई साइंटिस्ट जब इसके ऊपर स्टडी करेगा ना, तो वो क्या करेगा? एक्यूरेसी लाने के लिए वो जो है 5, उसके बाद फिर डेसिमल पॉइंट के बाद भी नंबरों को देखेगा, जैसे 5.00001, तो इस तरह से वो नंबरों को देखेगा। तो एक्यूरेसी लाने के लिए जो है वो छोटे नंबरों को देखता है, यानी वो जो है छोटे डेसिमल पॉइंट तक, आखिरी नंबरों तक जाने की कोशिश करता है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी लाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो एरर रह ही जाता है। तो साइंटिफिक फिगर्स का हमारे पास क्या एक काम होता है कि फिगर्स जो हैं वो वैल्यूज़ देते हैं, नंबर्स देते हैं, और ये नंबर जो है वो ज़्यादातर एक्यूरेसी की तरफ जो है वो जाते हैं, यानी इसमें जो है वो गलती की गुंजाइश कम से कम रखी जाती है। और पहले जो है, यानी जब हमारे पास पुराने दौर में जो है वो हम स्टडीज़ किया करते थे साइंटिस्ट, तो वो जो है वो एस्टिमेशन, यानी जो है वो अंदाज़े लगाते थे कि कितनी लेंथ होगी, अंदाजन जो है वो चीज़ों को इस लेते थे और इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्निक्स आती गई, मॉडर्न दौर होता गया, तो हम जो है वो नए से नए टेक्निक्स निकालते गए, जिससे जो है वो एक्यूरेसी आती गई। तो अगर आप देखें कि मोबाइल का जो आपके पीछे लोगो होता है, यानी जो मोबाइल के पीछे लोगो होता है, आप कोई सा भी मोबाइल उठाकर देख लें, तो हर मोबाइल में लोगो एक ही जगह पर प्रिंट होता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं पर थोड़ा सा ऊपर है, कहीं पर थोड़ा सा नीचे है। चाहे 100 मोबाइल देख लें, 100 यूनिट्स देख लें मोबाइल के, या 200 यूनिट्स देख लें मोबाइल के, सब में लोगो एक ही जगह पर होता है। तो ये लोगो एक जगह पर कैसे आता है? एक्यूरेसी लाई जाती है, और एक्यूरेसी लाने के लिए, यानी चीज़ों को अच्छे से अच्छा करने के लिए साइंटिफिक फिगर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर की क्या डेफिनेशन हुई? सिग्निफिकेंट फिगर्स की हमारे पास ये डेफिनेशन है कि ये जो है वो नंबर्स होते हैं,
और ये जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं एक्यूरेसी लाने के लिए। इसकी जो है वो सिंपल डेफिनेशन है, ये नंबर्स होते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं एक्यूरेसी लाने के लिए, यानी अच्छी से अच्छी वैल्यू लाई जाए और गलती को कम से कम किया जाए। तो देखें आगे जो है हमारे पास लिखा हुआ है कि द इंजीनियर्स आर However, interested in the accuracy of a value as they mostly work on estimations, but scientists, especially physicists, are more concerned in the accuracy of these numbers. For instance, an engineer records the speed of wind and explains it on an average. On the other hand, for the physicists, the speeds of earth on its course. तो इसमें भी देखें वही बात की जा रही है कि हमारे पास जो पहले के दौर में इंजीनियर हुआ करते थे वो कोशिश करते थे कि, और आज के दौर में भी कि वो कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट नंबर लेकर आएं और गलती को कम से कम करें। और पहले के दौर में जो है वो एस्टिमेशंस यानी जो है वो क्या अंदाजे से जो है वो वैल्यूज़ को निकाला जाता था। तो साइंटिफिक फिगर्स जो हैं वो हमारे पास मदद करते हैं कि हम जो है वो अच्छी से अच्छी वैल्यू दे सकें और गलती को कम से कम कर सकें। अब यहाँ पर एक बात की जा रही है कि फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट है जिसने के एयर की स्पीड को जो है वो मेजर किया, यानी इस एयर जो है वो कितनी स्पीड से चल रही है, तो वो जो है उसे एवरेज में बताता है कि भाई उसकी जो है वो कितनी स्पीड है। तो अगर वो जो है वो साइंटिफिक फिगर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा और जो है वो आपको आम नंबर दे देगा तो फिर जो है इसमें ये है कि वैल्यू गलत भी आ सकती है। तो साइंटिफिक फिगर्स का इस्तेमाल करने से वैल्यू जो है वो अच्छी से अच्छी आती है। अब जैसे कि आपके पास जो है वो वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है और इलेक्ट्रॉन का जो है वो क्या चार्ज होता है और क्या मास होता है, तो इसमें भी जो है वो साइंटिफिक फिगर्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को बताने के लिए ताकि गलती जो है वो कम से कम आए। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं वो हमारे पास नंबर्स होते हैं और इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो है वो गलतियों को कम से कम किया जा सके और ज़्यादा से अच्छी वैल्यू यानी एक्यूरेसी लेकर आई जा सके। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम किस तरह पहचानेंगे, यानी ज़ीरो जो है वो कब सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा और ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो ये जो है हमें एक टेबल दिया हुआ है 1.4, तो उस टेबल से हम इसे पहचानेंगे। तो चले आ जाए इस टेबल को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो रूल नंबर 1 है वो क्या है कि ऑल नॉन ज़ीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जितने भी हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर होंगे वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 2 हैं तो 1 2 और दूसरा 2 और 5, ये 3 नंबर हो गए ना, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं हमारे पास मौजूद हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में। तो 2 2 5, तो ये 3 नंबर बन रहे हैं, तो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो रूल नंबर 1 तो बहुत आसान था कि जो भी हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर ही रहेगा। रूल नंबर 2, तो लीडिंग ज़ीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि आगे जो ज़ीरो होंगे, यानी आप देख सकते हैं कि रेड में हमारे पास 3 और 4 लिखा हुआ है, तो 3 और 4 से पहले जितने भी नंबर आ रहे हैं वो तमाम के तमाम नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सिर्फ रेड में जो आपको 3 और 4 दिया हुआ है सिर्फ यही जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। दूसरा रूल क्या है कि जब भी हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर से पहले 0 आएगा, यानी जब भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर से पहले जितने भी 0 आएंगे वो तमाम के तमाम जो हैं हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो 3 और 4 जो हैं वो हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर है, और नॉन ज़ीरो नंबर से नॉन ज़ीरो नंबर के आगे आप देख सकते हैं बहुत सारे 0 मौजूद हैं, तो वो तमाम के तमाम नॉन सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, वो है 3 और 4। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने अगले रूल के ऊपर। तो अगले रूल में जो है हमारे पास लिखा हुआ है कि ट्रेलिंग ज़ीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ़ एन एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट इज़ प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो है आपको 3-2 अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है कि आपके पास जो 2 है सिर्फ वो सिग्निफिकेंट है और उसके आगे जो 2 0 मौजूद हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये जो है वो रूल्स आपको याद ही करने होंगे, लेकिन मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि ये किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। तो जब भी आपके पास
कोई दो तीन नंबर दिए हुए हों जो कि नॉन ज़ीरो हों, जैसे कि 2, 3, 4, और 2, 3, 4 के आगे 10 ज़ीरो भी आ जाए तो वो 10 के 10 ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह का काम हो रहा है कि 2 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है और उसके आगे जो 2 ज़ीरो आ रहा है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने 3, यहाँ पर जो है 200 पर आ जाते हैं जो कि रेड में दिया हुआ है। तो आप जो है वो देख सकते हैं कि जो रेड में आपको 200 दिया हुआ है उसके आगे जो है वो डेसिमल पॉइंट मौजूद है। तो जब भी डेसिमल पॉइंट जो है वो नॉन ज़ीरो के आगे आए और नॉन ज़ीरो के आगे आए और फिर ज़ीरो आ रहे हों तो वो तमाम के तमाम ज़ीरो इस कंडीशन में सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे। तो ऊपर वाली कंडीशन में तो नहीं थे, क्यों? क्योंकि ऊपर डेसिमल पॉइंट नहीं था। नीचे वाली कंडीशन में क्या है? डेसिमल पॉइंट मौजूद है, तो जिसकी वजह से जो ज़ीरो हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर बन गए। तो अगर ये डेसिमल पॉइंट बीच में आ जाए जैसे कि 2.00, तो अब क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे या नहीं होंगे? तो अब भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो जब भी नॉन ज़ीरो के बाद डेसिमल पॉइंट आए तो आगे जितने भी ज़ीरो हों पीछे जितने भी ज़ीरो हों तमाम सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो रूल नंबर 3 हमारे को यही कह रहा था। रूल नंबर 4 आ जाते हैं, ट्रैप्ड ज़ीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर ज़ीरो फंसा हुआ हो, यानी ज़ीरो जो है वो नॉन ज़ीरो के बीच में मौजूद हो, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 2045, तो 2045 यानी 2 के पहले ज़ीरो मौजूद, 2 के बाद ज़ीरो है और 45 से पहले ज़ीरो मौजूद है, तो यहाँ पर ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो जब भी नॉन ज़ीरो के दरमियान ज़ीरो आएगा तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। एक कंडीशन आपने दिमाग में अच्छी तरीके से रखनी है कि डेसिमल पॉइंट जो है वो बाद में आ रहा हो, यानी पहले आ रहा हो। जैसे कि आपको यहाँ देख सकते हैं 0.00509, तो 5 से पहले डेसिमल पॉइंट आ रहा है। तो अब डेसिमल पॉइंट से पहले जितने भी ज़ीरो आएंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो आएंगे, तो ये तमाम के तमाम नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और ये सिग्निफिकेंट फिगर किस कंडीशन में होंगे? अगर डेसिमल पॉइंट जो है वो नॉन ज़ीरो के बाद आए। अगर नॉन ज़ीरो से पहले डेसिमल पॉइंट आएगा ना, तो जो है वो जितने भी ज़ीरो होंगे वो तमाम नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। रूल नंबर 4 यही कह रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास कितने जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर हुए 0.00509 में? सिर्फ 3। क्यों? 509, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। तो बस डेसिमल पॉइंट का ये याद रख लें कि अगर ये नॉन ज़ीरो से पहले आएगा और उसके बाद जितने भी ज़ीरो आ रहे हों तो तमाम के तमाम ज़ीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अगर डेसिमल पॉइंट जो है ये आपके पास नॉन ज़ीरो के बाद आएगा और फिर जितने भी ज़ीरो हों वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। बाकी तो रूल्स हमारे पास आसान ही थे। अच्छा, अब आपको एक और जो है वो हमारे पास जो है वो वर्क एग्जांपल दी हुई है, यानी 5, यानी एक तरह से न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज डायमीटर इज़ 5 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे एरिया ऑफ सिलेंडर में। ये 5 तो सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास, लेकिन आपको ये नहीं बोल रहे कि डायमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आपको को कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ सिलेंडर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो पहले आपको एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सिलेंडर आप कैसे निकालेंगे? देखें, एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो एक तरह से सर्कल बन रहा होगा। तो सर्कल एरिया ऑफ सिलेंडर का जो हमारे पास फार्मूला होता है ये याद रखिएगा, पाई आर का स्क्वायर। क्या होता है हमारे पास एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला? पाई आर का स्क्वायर। तो स्टेप नंबर 1 देखते हैं, उसके बाद फिर तीनों स्टेप को फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? राइट नॉन फिजिकल क्वांटिटीज एंड पॉइंट आउट द अननोन क्वांटिटी। तो आपने जो है वो जो क्वांटिटी आपको दी हुई है वो लिख लें, और जो क्वांटिटीज़ आपको नहीं दी हुई उस क्वांटिटीज़ को जो है हम फिर नीचे राइट डाउन करेंगे स्टेप नंबर 2 में। अच्छा, अब जो है हमारे पास डायमीटर दिया हुआ था, तो डायमीटर हमारे पास क्या था? सेंटीमीटर में। तो हमें जो है वो मीटर में ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम न्यूमेरिकल को हमेशा SI यूनिट में सॉल्व करते हैं, तो सेंटीमीटर तो SI यूनिट नहीं है, मीटर में होता है। तो 5 को अगर आप 100 से डिवाइड करा देंगे तो 5 जो है वो सेंटीमीटर से आपके पास जो है वो मीटर में चला जाएगा। अच्छा, अब आपको पता है कि डायमीटर से रेडियस कैसे निकालते हैं, क्योंकि स्टेप नंबर 2 में हमें रेडियस चाहिए है एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए, डायमीटर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? रेडियस को डिवाइड कर देंगे 2 से। तो जब हम रेडियस को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे जब हम डायमीटर को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा।
डायमीटर को 2 से जब भी डिवाइड करेंगे आप, आपके पास हमेशा रेडियस आएगा। अगर आपको डायमीटर दिया हुआ हो और रेडियस निकालना हो तो किस तरह निकालेंगे? डायमीटर को हमेशा रेडियस, हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, रेडियस आ जाएगा। तो 0.05 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो आपके पास रेडियस आ गया, जो कि बना 0.025। अच्छा, जब आपने 0.5 को डिवाइड किया 2 से तो आपके पास क्या आया? 0.025 आ गया। अच्छा, अब जो है वो स्टेप नंबर 2, तो हमें जो है वो फार्मूला बताना होगा कि एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या है। तो एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है 3.142, और रेडियस यानी आर हम निकाल चुके हैं 0.025। तो 0.025 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.142 से तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0019। तो 0.0019 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए स्टूडेंट, ये बताना है। तो पहले ही हम जो है वो रूल नंबर 2 में ये बात अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर से पहले यानी 1 और 9 जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर है, तो नॉन ज़ीरो नंबर से पहले डेसिमल आ रहा हो, डेसिमल पॉइंट, और उसके आगे पीछे जितने भी ज़ीरो हों वो तमाम जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो जो सिर्फ हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर बचते हैं वही सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पर नॉन ज़ीरो नंबर कौन से हैं? 1 और 9। तो 1 एक सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 9 दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो टोटल हमारे पास जो है वो 1.9 यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। ठीक है, तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए स्टूडेंट? 2। तो ये जो है हमने क्या पता कर लिया, ये जो है हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को पता कर लिया। तो यहाँ पर जो है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अच्छा, अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि डिटरमिन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन। तो आपने जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर पता करने हैं, और यहाँ पर लगेगा रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या है कि अगर नॉन ज़ीरो से पहले डेसिमल पॉइंट आ रहा हो तो जितने भी ज़ीरो होंगे नॉन ज़ीरो से पहले वो तमाम के तमाम नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, वो तमाम के तमाम नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर पहला नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है? 6। यानी हमारे पास टोटल वैल्यू दी हुई है 0.00.6022009। तो पहला जो है हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है? 6। तो 6 से पहले जितने भी हमारे पास नंबर आ रहे हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके दिमाग में एक और भी चीज़ आएगी कि हमारे पास 3 ज़ीरो जो है वो बीच में भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो है वो रूल नंबर 4 लग रहा होगा कि अगर ज़ीरो नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान मौजूद हो तो सिग्निफिकेंट होता है। तो 6 के बाद जो ज़ीरो आ रहा है और 2 के बाद और 9 से पहले जो 2 ज़ीरो आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हमारे पास टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 6 एक हो गया, 0 2 दूसरा हो गया, 2 तीसरा हो गया, और दूसरा 2 जो है वो चौथा हो गया, और एक और 0 पाँचवा, और एक और 0 छठा, और 9 सातवा। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास 7 सिग्निफिकेंट फिगर हैं 0.602209 में। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से तमाम रूल्स आपको समझा दिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह पहचाना जाता है, और सिग्निफिकेंस फिगर जो है वो मोस्टली होते क्या हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, जैसा कि आप पूछते हैं मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ, और व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर दिया है उस पर भी पूछ सकते हैं। तो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें जो है मैं आपको क्या करवाऊंगा कि न्यूमेरिकल्स और जो एक्सरसाइज हमें दी हुई है, एमसीक्यूज़ और मुख्तलिफ चीज़ें, वो इसके बाद वाली वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। अच्छा, और दूसरा ये है कि नोट्स मैंने इंग्लिश के बना लिए हैं, फिज़िक्स और इस्लामियत के, और दूसरे नोट्स बन रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद जो है वो बन जाएंगे, तो मैं आपको यूट्यूब पर बता दूंगा कि नोट्स बन गए हैं, तो आप मुझे मैसेज करके नोट ले लीजिएगा। लेकिन इंग्लिश के नोट्स जो है वो तमाम के तमाम बन चुके हैं, क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक के नोट्स जो है वो तमाम यूनिट के हैं, तमाम एक्सरसाइज के हैं, तो आपको जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, और पेपरों में भी अच्छे से अच्छे नंबर ले सकेंगे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स की जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है, और ये 100 रुपीज़ इसीलिए रखी है क्योंकि नोट्स को बनाने में काफ़ी टाइम काफ़ी पैसे लगे हैं, तो इसलिए इसकी मुझे फ़ीस रखनी पड़ी, वरना मेरी कोशिश थी कि ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही दूँ, लेकिन जो है इन्वेस्टमेंट की वजह से इसकी फ़ीस जो है मैंने रखी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी, अगर कुछ ना समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। आखिर मैं कहूँगा कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो ये मैं काम कर रहा हूँ इसकी भी थोड़ी अप्रिसिएशन हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।